हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9, हम फिर से आ गए हैं वीडियो लेकर। इस बार हम केमिस्ट्री चैप्टर 1 का पार्ट 2 लेकर आए हैं। तो चैप्टर 1 जो हम पढ़ रहे थे मैटर इन अवर सराउंडिंग्स, आज हम इन टॉपिक्स को स्टडी करेंगे। जिन्होंने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी इस चैप्टर की, वो हमारे क्लास 9 के प्लेलिस्ट में जाके इसका पार्ट 1 देख सकते हैं। तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी। अब ये काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो मूव कर रहा है तो उसके अंदर जो एनर्जी आएगी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, ये मेरे हाथ में एक चाबी है। अभी इसका काइनेटिक एनर्जी जीरो है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट अभी मूव नहीं कर रहा है। लेकिन अगर इसी चाबी को जैसे मैंने इस व्हाइट बोर्ड में फेंका तो ये व्हाइट बोर्ड से टकराया, तो ये जो मोशन में आया, मोशन यानी मूवमेंट में आने के कारण इसके अंदर एक एनर्जी आया जिसको हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं जो कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं तो उसके अंदर एक काइनेटिक एनर्जी होती है। क्यों? क्योंकि वो मूव कर रहे हैं। तो जैसा हमने पढ़ा हुआ है सॉलिड में जो मोशन है पार्टिकल्स का वो सबसे कम है, इसका मतलब इसका काइनेटिक एनर्जी सबसे कम है। लिक्विड में पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है यानी इसका मूवमेंट थोड़ा ज्यादा होता है, तो इसका काइनेटिक एनर्जी सॉलिड से ज्यादा होगा। और सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी गैस पार्टिकल्स में होंगे। क्यों? बिकॉज हमने पढ़ा है, हमने देखा है पिछली वीडियो में कि गैस के जो पार्टिकल्स हैं ये सबसे फास्ट मूव करते हैं, इनका मोशन सबसे फास्ट होता है क्योंकि इनके बीच में स्पेस होता है और इसी स्पेस के कारण इनका मूवमेंट बहुत फास्ट होता है और उस मूवमेंट के कारण इनका काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होता है। तो काइनेटिक एनर्जी विल बी लीस्ट इन सॉलिड, मोर इन लिक्विड एज कंपेयर टू सॉलिड एंड मैक्सिमम इन गैस। तो यह है काइनेटिक एनर्जी। इसके बाद इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन स्टेट्स ऑफ मैटर। इसका मतलब टेम्परेचर यानी ठंडी गर्मी ये, और प्रेशर जब हम किसी चीज को कंप्रेस करते हैं तो क्या इससे स्टेट्स ऑफ मैटर पे क्या असर पड़ता है, अब हम उसको स्टडी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम टेम्परेचर की। अगर हम सॉलिड को टेम्परेचर कम करें, अगर हमने सॉलिड का टेम्परेचर जैसे फॉर एग्जांपल कम नहीं ज्यादा कर दें, फॉर एग्जांपल आइस जो बर्फ है, बर्फ जब रेफ्रिजरेटर में होता है तो उसका टेम्परेचर बहुत कम है तो वो सॉलिड फॉर्म में है। तो अगर हमने उसको फ्रिज से बाहर निकाल दिया इसका मतलब आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, बिकॉज रूम टेम्परेचर जो होता है वो रेफ्रिजरेटर के टेम्परेचर से ज्यादा होता है। अब रूम टेम्परेचर में आपने चेंज कर दिया, यानी बर्फ का टेम्परेचर जब वो फ्रिज के अंदर था तो उसका टेम्परेचर कम था और जब वो बाहर आया फ्रिज से तो उसका टेम्परेचर बढ़ गया। तो सॉलिड यानी बर्फ किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में, यानी जो आइस है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? वॉटर में। क्यों? आपने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया। अब इसी वॉटर का टेम्परेचर आप इंक्रीज करिए, इसको आप लग दीजिए स्टोव पे, यानी वॉटर के टेम्परेचर को आप और इंक्रीज करें तो ये वॉटर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? वॉटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, वॉटर वेपर में, मतलब गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब टेम्परेचर चेंज होने से स्टेट्स भी चेंज होते हैं। इसका हम उल्टा भी कर सकते हैं बच्चों, अगर हमने वॉटर वेपर को, अगर हमने वॉटर वेपर को कूल किया इसका मतलब इसके टेम्परेचर को डिक्रीज किया तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा यानी वॉटर में। मम्मी ने गर्मा गर्म खाना बनाया, एकदम गर्मा गर्म, अब मम्मी ने उस खाने को ढक दिया प्लेट से, कुछ समय के बाद आप प्लेट को उठाइए तो आप देखेंगे प्लेट में पानी की बूंदें आ चुकी है। ऐसा क्यों हुआ बच्चों? मम्मी ने जो खाना बनाया था उसमें से गैस निकल रहा था,
जो उसकी खुशबू है वो अरोमा के फॉर्म में, गैस के फॉर्म में, वाटर वेपर के फॉर्म में बाहर आ रही थी, जो बहुत गर्म थी। आपने उसमें प्लेट रखा, प्लेट ठंडा था, तो जब वो गर्म गैस ठंडे प्लेट के कॉन्टेक्ट में आया, इसका मतलब उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो गया और वो किस में कन्वर्ट हो गया, वाटर में। और वाटर को आप बर्फ में रख दिए, फ्रिज में रख दीजिए, उसके टेम्परेचर को और डिक्रीज कर दीजिए, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस में। इसका मतलब टेम्परेचर में चेंज होने से जो सॉलिड लिक्विड गैस है वो चेंज होते रहते, इंटरचेंज, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या गैस से सॉलिड, इस तरह से। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे बच्चों प्रेशर। प्रेशर को कम ज्यादा करने से क्या इंपैक्ट पड़ता है? बिल्कुल पड़ेगा बच्चों। अब आप समझिए, गैस को आप कंप्रेस कर रहे हैं, एलपीजी, एलपीजी जो है बच्चों उसको क्या कहते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, हम उसको कहते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसका मतलब अगर आप गैस के पार्टिकल्स को कंप्रेस करें, गैस के पार्टिकल्स तो एक दूसरे से बहुत दूर है, अगर आप इसको कंप्रेस करें, यहां से प्रेशर लगाएं, यहां से प्रेशर लगाएं और इसको कंप्रेस करें, तो जो पार्टिकल्स दूर हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल पास आ जाएंगे, और पास आ जाएंगे तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। इसीलिए तो एलपीजी को लिक्विफाइड कहते हैं, क्योंकि जो गैस है उसको सिलेंडर में कंप्रेस किए तो पार्टिकल्स पास आ गए, तो किस फॉर्म में हो गए, लिक्विड फॉर्म में। इसका मतलब गैस को कंप्रेस करने से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर हम लिक्विड को कंप्रेस करें तो पार्टिकल्स इसके और पास आ जाएंगे, तो लिक्विड पार्टिकल्स को अगर हम कंप्रेस करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में। इसका मतलब प्रेशर में चेंज हुआ तो जो उसके स्टेट्स हैं वो भी चेंज हो जाते हैं। समझ में आया आपको? अब आते हैं बच्चों सब्लिमेशन पे। अब ये सब्लिमेशन क्या है? अगर किसी चीज को सॉलिड से डायरेक्टली कन्वर्ट कर दें गैस में तो उसे कहेंगे सब्लिमेशन। जैसे जनरली बर्फ को आप अगर हीट करेंगे, एक्सक्यूज मी सॉरी, अगर बर्फ को आप हीट करेंगे तो जो बर्फ है पहले वो किस में कन्वर्ट होगा, पानी में, लिक्विड में। अब उस पानी को आप गर्म करेंगे तो वो जो पानी है, वो जो लिक्विड है, वो कन्वर्ट होगा गैस में। लेकिन अगर कोई सॉलिड बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाए उसको सब्लिमेशन कहते हैं। जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है बच्चों ड्राई आइस, यानी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड CO2, जो कार्बन डाइऑक्साइड का सॉलिड फॉर्म है ड्राई आइस, जिसका इस्तेमाल थिएटर्स में ड्रामेटिक इफेक्ट के लिए, या जहां पे नेचुरल मैनुअल कूलिंग पॉसिबल नहीं है, रेफ्रिजरेटर, वहां पे चीजों को ठंडा करने के लिए ड्राई आइस का इस्तेमाल होता है। ड्राई आइस क्या है? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का लिक्विड फॉर्म नहीं है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का जो सॉलिड फॉर्म है ड्राई आइस, इसको आप हीट करेंगे तो सीधा गैस में कन्वर्ट होगा। आप शादियों पार्टियों में देखेंगे जो फॉग का ड्रामेटिक इफेक्ट में इस्तेमाल होता है, ड्राई आइस को रखते हैं और जब उसको गर्म करते हैं तो बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए वो सीधा गैस निकालता है, गैस के फॉर्म में आता है। ठीक है, तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड यानी ड्राई आइस, इसी को कहते हैं जो सब्लिमेशन के फॉर्म में आता है। मतलब अगर आप सॉलिड CO2, जो ड्राई आइस है, इसको आप गर्म करेंगे तो बिना लिक्विड में चेंज हुए सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, बिकॉज सॉलिड CO2 का यानी ड्राई आइस का लिक्विड फॉर्म अवेलेबल नहीं है। ठीक उसी तरह पूजा में जो कपूर का इस्तेमाल होता है, कैम्फर, उस कपूर को भी अगर आप गर्म करते हैं तो लिक्विड में कन्वर्ट होने के बजाय सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाता है। नेप्थोलीन बॉल्स, जो कपड़ों को चूहों से बचाने के लिए, पेस्ट से बचाने के लिए हम कपड़ों में रखते हैं, अच्छी खुशबू आती है,
वो धीरे धीरे सीधा सबलिमेशन के फॉर्म में गैस में कन्वर्ट हो जाता है, वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता, तो उसे हम कहते हैं सबलिमेशन, जहां पे सॉलिड सीधे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में। इसके बाद आता है बच्चों इवापोरेशन। इवापोरेशन का मतलब क्या है? इवापोरेशन का मतलब द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस, लिक्विड का गैस के फॉर्म में कन्वर्ट होना एट रूम टेम्परेचर इज नोन एज इवापोरेशन, ठीक है। एंड इवापोरेशन का मतलब सिंपल शब्दों में कहें, अगर लिक्विड पार्टिकल्स गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं तो वह इवापोरेशन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कपड़ों को आपने धूप में सुखाया तो कपड़े धीरे धीरे सूख जाते हैं, उसके अंदर का जो पानी होता है वो गैस में कन्वर्ट होकर कपड़े सूख जाते हैं, उसको कहते हैं इवापोरेशन। और इवापोरेशन रूम टेम्परेचर में भी होता है। हाँ, इसके कुछ फैक्टर्स है जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। कुछ फैक्टर्स हैं जो इवापोरेशन में असर डालते हैं, वो फैक्टर्स क्या है बच्चों? सबसे पहला है टेम्परेचर। टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा इवापोरेशन उतना फास्ट होगा। क्लाउडी डेज के मुकाबले जब बादल होता है उसके मुकाबले सनी डेज में जब धूप निकली होती है, धूप खिली होती है, तब कपड़े जल्दी सूखते हैं। मतलब टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा, जितना हाई होगा, इवापोरेशन उतना क्विक होगा, उतना ज्यादा होगा। दूसरा है विंड स्पीड। हमारे माता पिता बचपन में करते थे, पता नहीं आपके माता पिता ने किया है या नहीं, बारिश के मौसम में जनरली जब बारिश होती थी कपड़े सूखते नहीं थे, तो हमारे मम्मी पापा जो स्कूल की ड्रेसेस होती थी उसको पंखा चला के घर के अंदर ही रस्सी में टांग देते थे। पंखा बहुत तेजी से चलता था जिससे कपड़े सुबह तक सूख जाते थे, फिर उसको हम पहन के स्कूल जाते थे। इसका मतलब जब हवा बहुत तेज चलती है तो वो जो पार्टिकल्स होते हैं उसको वो अपने साथ ब्लो करके, फ्लो करके ले जाती है, और जब वाटर पार्टिकल्स वहां से निकल जाएंगे इसका मतलब वो गैस में कन्वर्ट हो गया, तो चीजें ड्राई हो गई, इवापोरेशन हो गया। यानी विंड स्पीड, जब हवाएं बहुत तेज चल रही, बादल तो है पर हवा बहुत तेज चल रही हो, उसमें भी कपड़े बहुत तेजी से, बहुत जल्दी, बहुत फास्ट सूखते हैं। इसके बाद आता है बच्चों सरफेस एरिया। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा इवापोरेशन उतना फास्ट होगा। इवापोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना, मतलब अगर हम सरफेस एरिया को बढ़ा दें तो पार्टिकल सरफेस पे ज्यादा आ जाएंगी, और जितनी ज्यादा वो सरफेस पे आएंगी उतना जल्दी वो इवापोरेट होगा। ये हमने देख लिया सरफेस एरिया। इसके बाद आता है बच्चों ह्यूमिडिटी। अब ये ह्यूमिडिटी क्या है? ह्यूमिडिटी का मतलब द अमाउंट ऑफ वॉटर मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर। हवा में जो नमी है, जो पानी है, जो लिक्विड है, उसे कहते हैं ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी जितनी ज्यादा होगी इवापोरेशन उतना स्लो होगा, ह्यूमिडिटी जितना कम होगा इवापोरेशन उतना फास्ट होगा। जैसे केरल हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, वहां पे गर्मी में जो सीजन होता है, जो मौसम होता है, चिपचिपा होता है, बॉडी को बहुत अनकंफर्टेबल लगता है। ऐसा क्यों बच्चों? अब बॉडी से पसीना निकला, स्वेट हो रही है बॉडी, लेकिन क्योंकि केरल वेस्ट बंगाल जो है ये वाटर बॉडीज के किनारे पे है, जिस वजह से हवा में, खास करके चेन्नई जैसे जगहों पे हवा में नमी मॉइस्चर बहुत ज्यादा है, बिकॉज वो वाटर बॉडी सी के किनारे है, तो हवा में जो नमी है मॉइस्चर बहुत ज्यादा है। अब हमारे बॉडी का पसीना निकल तो रहा है लेकिन वो इवेपोरेट नहीं हो पा रहा, ड्राई नहीं हो पा रहा। क्यों? बिकॉज हवा में पहले से ही ढेर सारा पानी है। अब क्योंकि हवा में ढेर सारा पानी मौजूद है तो हमारे बॉडी का जो लिक्विड है, जो स्वेट है, वो इवेपोरेट होकर हवा में जा नहीं पा रहा है, क्योंकि हवा में पहले से ही ढेर सारा पानी है, जिस वजह से हमारे बॉडी का पसीना बॉडी में ही रह जाता है, बॉडी चिपचिपा होने लगता है और बहुत अनकंफर्टेबल लगता है, क्योंकि बॉडी का जो हीट है वो बाहर नहीं जा पा रहा है। और छत्तीसगढ़ जैसे ड्राई स्टेट्स में, छत्तीसगढ़, राजस्थान, एमपी जो ड्राई स्टेट्स है, यहां पे हवा में पानी नहीं होता, यहां पे सूखी गर्मी होती है, जिस वजह से गर्मी ज्यादा है पर वो अनकंफर्टेबल नहीं। क्यों? हमारा पसीना आया और वो इवापोरेट हो गया,
सूरज की गर्मी से वो इवेपोरेट होके एयर में चला गया। क्यों? एयर ड्राई है, एयर में नमी नहीं है, तभी तो हमें गर्म लू चलता है। बिकॉज हवा में जो पानी है वो बिल्कुल भी नहीं, हवा बिल्कुल ड्राई है, जिस वजह से हमारा पसीना तुरंत ड्राई अप हो जाता है। तो ह्यूमिडिटी छत्तीसगढ़ में कम है, जिसका मतलब इवेपोरेशन फास्ट है, हमारी बॉडी से गर्मी पसीना बहुत तेजी से इवेपोरेट हो जाता है। लेकिन वेस्ट बंगाल, चेन्नई, यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, हवा में बहुत सारा पानी है, जिससे बॉडी से इवेपोरेशन नहीं हो पाता स्वेट का, और बॉडी को बहुत अनकंफर्टेबल लगता है। इसका मतलब मोर ह्यूमिडिटी लेस इवेपोरेशन, लेस ह्यूमिडिटी मोर इवेपोरेशन। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन पे असर डालते हैं। इसके बाद लेटेंट हीट को हिडन हीट भी कहते हैं। अब ये लेटेंट हीट क्या होता है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, एंड टू कन्वर्ट 1 kg लिक्विड और 1 liter लिक्विड इनटू 1 liter गैस इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। मतलब जो गर्मी यूज होती है सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने में, उसे कहते हैं लेटेंट हीट। इसका शॉर्ट्स मैंने YouTube में डालूंगा, आप देखिएगा, एग्जांपल किया मैंने इसका। एक पेपर कप लीजिएगा, पेपर कप में आप आग लगाइए तुरंत आग पकड़ लेगा, लेकिन उस पेपर कप में आप पानी डालिए और फिर आग लगाइए, वो आग नहीं पकड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप जो उस गर्मी दे रहे हो पेपर कप में, तो वो गर्मी कहां यूज हो रही है? उस पेपर कप के अंदर जो पानी है उस पानी को गैस में कन्वर्ट करने में वो यूज हो रहा है, और जब तक वो पानी इवेपोरेट नहीं हो जाता पेपर कप आग नहीं पकड़ेगा, और जैसे ही वो इवेपोरेट हो जाएगा पेपर कप आग पकड़ लेगा, और इसी को कहते हैं लेटेंट हीट। और यही लेटेंट हीट वेरी डेंजरस है। क्यों? स्टीम बर्न इज मोर डेंजरस देन वाटर बर्न। अब आप समझिए, आपने हीट दिया, लिक्विड कन्वर्ट हुआ किसमें? गैस में। अब वो एनर्जी यूज हुआ ब्रेक करने में लिक्विड को गैस में, अब वो गैस पार्टिकल्स में है काइनेटिक एनर्जी। अब स्टीम जब निकलता है वो इतनी तेजी से बर्न करता है बॉडी को, क्योंकि उसके जो फास्ट मूविंग पार्टिकल्स है वो बॉडी के स्किन को पूरा छिल देते हैं, पूरा पील ऑफ कर देते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ द हाई काइनेटिक एनर्जी। तो लेटेंट हीट का मतलब अगर जो एनर्जी यूज हो रही है ब्रेक करने में, क्यों? अगर आप, मैंने पढ़ाया था टेम्परेचर, आप टेम्परेचर दोगे, हीट दोगे, तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और लिक्विड से कन्वर्ट होगा गैस में, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और इसका एग्जांपल मैंने आपको बताया, पेपर कप में पानी लेके देखिए, वो आग नहीं पकड़ेगा। अगर पानी नहीं है तो आग पकड़ लेगा, लेकिन पानी है तो आग नहीं पकड़ेगा जब तक वो पानी इवेपोरेट नहीं हो जाता। क्यों? आप हीट दे रहे हैं लेकिन वो हीट पानी के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करके, उसका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है उसको गैस में कन्वर्ट करने में यूज हो रहा है, तभी उसको कहते हैं लेटेंट हीट या हिडन हीट। समझ गए आप? तो आज की वीडियो के लिए बच्चों इतना ही, अब आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा हो। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। क्लास 9 स्नेहपूर्ण शिक्षा आपके साथ।